मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज का प्रतिरोध मार्च जन क्रांति का है आगाज। महागठबंधन के राज्यव्यापी आह्वान पर मोदी नीतीश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सीतामढ़ी में वाम दलों का विशाल प्रतिरोध मार्च और जनसभा आयोजित किया गया। महागठबंधन के राज्यव्यापी आह्वान पर आसमान छूती महंगाई, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश, मोदी नीतीश सरकार की तानाशाही और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वाम दलों ने विशाल प्रतिरोध मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व भाकपा माले जिला सचिव नियाज अहमद सिद्दीकी, सीपीआई के जयप्रकाश राय और सीपीएम के देवेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से किया। मार्च गांधी मैदान दलित आश्रम से शुरू हुआ और महंत साहू चौराहा जानकी स्थान कोर्ट बाजार इत्यादि होते हुए पुनः गांधी मैदान वापस आया। वहाँ पहुँच कर सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता महागठबंधन के कन्वेनर राजद अध्यक्ष शफीक खान ने की। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव नियाज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि आज का यह मार्च केवल मार्च नहीं बल्कि यह जन क्रांति का आगाज है और हम सबों को मोदी नीतीश की जन विरोधी और निरंकुश सरकार के खिलाफ जन आंदोलनों के माध्यम से जन क्रांति लाने का उचित समय आ गया है। सभा को सीपीआई जिला सचिव जयप्रकाश राय, सीपीएम के देवेंद्र यादव, नंद किशोर यादव, ललितेश्वर चौधरी, वैद्यनाथ हाथी, महेश झा, नरेश पासवान, कुंदेला मदन राय इत्यादि के अलावा दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया। सीतामढ़ी से संवाददाता मोहम्मद अर्शद की खास रिपोर्ट।